हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लास्ट क्लास में पे बैक पीरियड वाला जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग कैपिटल बस्टिंग सीख रहे थे, और कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत वेरियस टाइप्स के मशीन या प्रोजेक्ट हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो कौन सा मशीन हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट में हमका हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, कंपनी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सुटेबल होगा, ये देखना ही कैपिटल बस्टिंग का काम होता है। तो उसका देखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा पे बैक पीरियड, वहाँ पे क्या फोकस किया जाता था, वहाँ पे फोकस किया जाता था कि वो पैसा कितने जल्दी वसूल कर दे रहा है, हमको कितने समय में पैसा वसूल करके दे देता है। आज हम दूसरा मेथड देखने वाले हैं, और उस मेथड का नाम है नंबर दो मेथड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज योर अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इसका मतलब होता है, मतलब जितना पैसा आपने लगाया है, मान लीजिए कोई मशीन आपने परचेस किया है, तो उस पर आपको सालाना कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है, अब अपन जैसे मान लीजिए 1,00,000 है, अब इस 1,00,000 को आप दो तरह से यूज कर सकते हो, या तो इस 1,00,000 को आप बैंक में जमा कर सकते हो, या फिर इस 1,00,000 को आप क्या कर सकते हो, कोई मशीन खरीद सकते हो, है ना। अगर आप बैंक में जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हो सकता है बैंक से अपन को 10% इंटरेस्ट मिले, कुछ करने की जरूरत ना पड़े, 10% इंटरेस्ट मिले। उसी जगह वो 1,00,000 को मशीन में लगाएंगे तो कितना मिलेगा। अब मशीन में अगर हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 20% रिटर्न मिल रहा है हम लोगों को, या 30% या 40% अगर अपन को रिटर्न मिल रहा है, तो ज्यादा बेटर होगा कि 1,00,000 को बैंक में जमा ना करके अपन कहां लगा दे, मशीन में लगा दे। मतलब जो पैसा हमने मशीन पे लगाया वो हमको कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, रिटर्न कितना परसेंट दे रहा है, इस पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे बैक पीरियड पे फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पर फोकस किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने इन्वेस्टमेंट लगाया वो हमको रिटर्न कितना दे रहा है, सब खर्चे वर्चे काटने के बाद, यानी एक तरह से प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके और भी नाम है, या फिर इसको कई बार आपको बोला जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड हो सकता है, या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं, एवरेज रिटर्न रेट, या फिर इसको कहा जा सकता है एवरेज रिटर्न रेट। सबका मतलब क्या हो सकता है, एक ही होता है, इसको तीन नाम से जाना जाता है, अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लोग जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला देखो दो फॉर्मूला यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सेविंग्स। अब ऑपरेटिंग सेविंग्स जब भी बोलूं तो मतलब क्या होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, माइनस कर देते हैं एनआई डिवाइडेड बाय एन इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआई। सर समझ नहीं आया, चलो ठीक है आगे देखते हैं। और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, और यही आपको बार बार निकालना पड़ेगा, एवरेज रिटर्न रेट। देखो दो चीजें यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने बोलेगा तो आप ये काम करेंगे, और एवरेज रिटर्न रेट निकालने बोलेगा, एवरेज रिटर्न रेट अगर अपन को निकालने बोलता है, तब आप फॉर्मूला लेंगे ऑपरेटिंग सेविंग्स माइनस एनआई डिवाइडेड बाय टू इंटू 100, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले में क्या क्या लिखा हमको समझ में नहीं आया, तो देखो ऑपरेटिंग सेविंग्स तो मतलब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सेविंग्स, तो ये ऑपरेटिंग सेविंग्स है, और कौन सा वाला ऑपरेटिंग सेविंग्स, वही एनुअल सेविंग्स, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, जो हमेशा अपन लेते थे पे बैक पीरियड के टाइम पे, वही होता है। और यहाँ पे एनआई डिवाइडेड बाय एन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन, ओके, एनआई डिवाइड बाय एन का मतलब होता है क्या डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे एनआई का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, जितना आपने बिजनेस में पैसा क्या किया लगाया उसको ले लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, जितना आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ मशीन वो ले लेते हैं, ठीक है। और एनआई डिवाइडेड बाय टू का मतलब होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या कहा जा सकता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये होता है इसका मतलब, ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट की आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या है, ठीक है। चलिए अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको बात को, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है फॉर्मूले में, ऑपरेटिंग सेविंग्स में से डेप्रिसिएशन क्या किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग सेविंग्स में से डेप्रिसिएशन क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ऑपरेटिंग सेविंग से डेप्रिसिएशन क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सेविंग्स आया होगा इसका मतलब क्या होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें टैक्स तो घट चुका है बट डेप्रिसिएशन घटा नहीं है, मतलब जैसे निकाले वैसे निकाले, यानी कि जब इसमें ऑपरेटिंग सेविंग्स में अपन को डेप्रिसिएशन घटाना ही है, तो सीधा ये बोलो ना, इस फॉर्मूले को सीधा आप इस रूप में नहीं लिख सकते,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अपन को सीधा ये नहीं लिख सकते, ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. क्या बोल सकते हैं? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. सीधा ले लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआई. एनआई डिवाइड, एनआई मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय क्या कर लो? नेट इन्वेस्टमेंट. सीधा ऑपरेटिंग सेविंग्स क्या ले लो? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स. मतलब ऑपरेटिंग सेविंग्स में आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लो और टैक्स भी क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए. जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं. और एवरेज रिटर्न रेट अगर बोले तो यहां भी वही काम कर रहा है. एवरेज रिटर्न रेट में भी क्या काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सेविंग्स में डेप्रिसिएशन घटा रहा है. यानी अपन बोल सकते हैं कैसा वाला ऑपरेटिंग सेविंग्स लेना अपन लोग को? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. मतलब एनआई डिवाइडेड बाय क्या? 2. यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसको क्या कहा जाता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो हम एक्सप्लेन कर दे एनआई डिवाइडेड बाय 2 कैसे निकालेंगे आप, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे. तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. जितने रुपए का आपका कॉस्ट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जितना कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट या प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, वो ले लो. माइनस कर दीजिए इसमें स्क्रैप वैल्यू, जितना उसके स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस कर दो और कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2. ये निकल आएगा नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर इसमें स्क्रैप वैल्यू, फिर से आप क्या करिए, जो स्क्रैप वैल्यू उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए. और अगर इस बीच कोई वर्किंग कैपिटल है तो उसको भी जोड़ दीजिए. वर्किंग कैपिटल, अगर आपने कोई वर्किंग कैपिटल लगाया हुआ है, भाई मशीन को या प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल भी लगता है ना, ऑयल वगैरह या ओवरऑलिंग चार्जेस वगैरह, तो उसको भी क्या कर सकते हैं? आप जोड़ सकते हैं. तो इस प्रकार आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा. एनआई डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ. ठीक है, हो गया. अब उसमें अगर स्क्रैप वैल्यू है तो जोड़ दो, और अगर कोई वर्किंग कैपिटल है तो उसको भी क्या कर दो? जोड़ दो. तुम्हारा क्या निकल आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट. ज्यादातर हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोलता मालूम है? ये निकालने, अपन को दोनों निकालना पड़ेगा क्या सर? नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में हमको 99% एवरेज रिटर्न रेट निकालने बोलेगा. मतलब आपका फोकस इसी पे होगा, एवरेज रिटर्न रेट पर. अब ज्यादा अच्छा होगा कि इसको अपन लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को अगर बना के समझे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे, ज्यादा अच्छा होगा. जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर आप अपने बुक में देखोगे तो इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल नंबर 21 बता रहा हूँ, सबसे हार्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ 21, जिससे आप लोग को छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. सेम कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में देखे, टू प्रोजेक्ट ए एंड बी आर बिफोर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट टोरेक्स लिमिटेड, द पर्टिकुलर्स अवेलेबल आर. बोल रहा है कि दो प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में हम लोग को. गिवन है हमको क्वेश्चन में, कहता है कि यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको दो प्रोजेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं. प्रोजेक्ट ए दिखाई दे रहा है और प्रोजेक्ट हम लोगों को यहाँ पे कितना अवेलेबल है? बी हमारे पास अवेलेबल है. यानी प्रोजेक्ट ए अवेलेबल है और प्रोजेक्ट क्या अवेलेबल है? बी हमारे पास क्या है? अवेलेबल है. दो प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, जिसका कॉस्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें इन रुपीज, रुपीज के फॉर्म में दिया हुआ है कितना, 10,000 प्रोजेक्ट ए का भी कॉस्ट है और 10,000 प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट है. उसी जगह अगर मैं लाइफ की बात करूं तो लाइफ कितना दिया है भाई, देखा जाए तो 4 साल इसका लाइफ है जबकि 6 साल इसका लाइफ है. ठीक है, आगे देखिए अर्निंग. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अर्निंग. अर्निंग मतलब वही ऑपरेटिंग सेविंग्स, कमाई. अर्निंग मतलब कमाई. क्या लिखा है? बिफोर डेप्रिसिएशन. क्या लिखा है? बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स. बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स मतलब इसमें टैक्स तो घट चुका है बट डेप्रिसिएशन नहीं घटा है. ठीक है, ओके, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसे निकालेंगे. और ईयर दिया, देखिए ईयर दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा भी दिया है. चलिए 6 साल का दिया हिसाब किताब. क्या दिया? देखो अब इसका ऑपरेटिंग सेविंग्स अपन को दिया है, पहले वाले का ऑपरेटिंग सेविंग्स, इसका भी ऑपरेटिंग सेविंग्स दिया, मतलब अर्निंग. कितना कितना अर्निंग दिया भाई? ये वाले मशीन का 5,000, 4,000 और 3,000 और 1,000 रुपये है. क्योंकि इसका लाइफ 4 साल, तो 4 साल तक की कमाई होगी, तो 5 और 6, 6वें साल का तो देगा नहीं. उसी जगह हम बात करते हैं दूसरे मशीन बी की. मशीन बी में पहला साल कमाई होगा 1,000, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 3,000 और चौथे साल कितना? 4,000, पाँचवें साल 5,000 और छठे साल कितना? 6,000. ठीक है, आपको कहता है विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रिफर्ड, आपको कौन सा प्रोजेक्ट प्रिफर करना चाहिए? यूज अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आपको अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है. ठीक है, तो अपन को लिखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा विच प्रोजेक्ट टू प्रिफर बाय कंपनी बाय यूजिंग अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मेथड से अपन क्या करें?
बताना है आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा। देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सेविंग्स, आप बोलोगे सर हर साल का जो ऑपरेटिंग सेविंग्स है वो अनइवन है, इवन है और क्या है अनइवन है। देखो यहां पर आकर इवन अनइवन वाला जो रोल है ना वो कहां तक था, पेबैक पीरियड तक ज्यादा होता था। जब भी हम अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाएंगे तो यहां पर इवन अनइवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इवन है जैसे मान लीजिए हर साल 16,000 है तो फिर 16,000 को ही लेके चलेंगे आप, और अगर मान लीजिए लगातार साल का अनइवन सेविंग्स है, कैसा सेविंग्स है अनइवन सेविंग्स है, तो आप सीधा क्या करना मालूम, इसका एवरेज निकाल देना। सीधा इसका क्या निकाल देना आप लोगों ने, एवरेज निकाल देना, तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, सीधा एवरेज निकालना। चलो बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो पहले मैं प्रोजेक्ट ए के लिए काम करता हूँ। चलो लिखेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए, तो हम प्रोजेक्ट ए के लिए काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट ए की क्या कहानी है देखते हैं। अगर आप बोलेंगे साथ साथ कर लेते हैं, चलो साथ साथ कर लेते हैं क्या, चलिए साथ ही साथ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, चलो पहले एवरेज तो निकाल ले कम से कम, चलो पहले अलग अलग कर लेते हैं। ओके ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। तो पहले हमको चाहिए फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो मेन फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर वन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सेविंग, सीधा ज्यादा फॉर्मूला लेंगे ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, हम लोग को सीधा चाहिए आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करना है नेट इन्वेस्टमेंट, ये वाला फॉर्मूला है। और दूसरा हम लोग को निकालना होता है एवरेज रिटर्न रेट, और एवरेज रिटर्न रेट का फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या ले लेते हैं 2, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। खैर वो तो अपन करते रहेंगे, तो फिलहाल अपन को पहले ऑपरेटिंग सेविंग्स चाहिए। ओके हमको चाहिए ऑपरेटिंग सेविंग्स, चलिए ऑपरेटिंग सेविंग्स निकालते हैं। पहले प्रोजेक्ट एक्स का ए का निकाल लेते हैं, और प्रोजेक्ट किसका निकाल लेते हैं बी का निकाल लेते हैं, प्रोजेक्ट बी का निकाल लेते हैं। तो समझिएगा प्रोजेक्ट ए का 4 साल का सेविंग्स आपको दिया है, तो जब कभी अनइवन सेविंग्स दे, इवन दे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, अनइवन दे तो उसका एवरेज निकालना है आप लोगों को। चलो एवरेज निकालते हैं, प्रोजेक्ट ए का एवरेज निकाल दो, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 और कितना प्लस 1,000, इस सबको जोड़ लीजिए डिवाइड बाय क्या कर दो 4 कर दो, इसका एवरेज सेविंग्स निकाल लो। ठीक इसी प्रकार इसका निकाल लो प्रोजेक्ट बी का, 1,000 है प्लस कितना है 2,000 है प्लस है कितना 3,000, फिर प्लस करेंगे 4,000, फिर प्लस करेंगे 5,000 और अंत में कितना है 6,000। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 6। तो देखिए बराबर से अगर इसको एक प्रकार से अनइवन को अपन किस में बदल ले रहे हैं, इवन में बदल ले रहे हैं। तो अपन देखते हैं 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 3,250, ये आ गया 3,250 ऑपरेटिंग सेविंग्स आया, इसका आया एवरेज कितना 3,250, यानी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सेविंग्स बिफोर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स कितना आया 3,250। ये तो बोला ना क्वेश्चन में, ये कैसा है सेविंग्स है बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें डेप्रिशिएशन घटा नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोजेक्ट बी का जो बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स अगर मैं निकालूँ, बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, देखें 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 21,000 टोटल आया, उसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो आएगा 3,500 रुपये, कितना आ गया 3,500 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार कितना आ गया 3,500 रुपये क्या हो गया निकल आया, ठीक है। तो ये आया ऑपरेटिंग सेविंग्स बिफोर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स। हमको क्या चाहिए फॉर्मूले में, आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। तो देखो इसमें क्या है, बिफोर डेप्रिशिएशन मतलब डेप्रिशिएशन घटा नहीं बट टैक्स घट गया है, तो डेप्रिशिएशन नहीं घटा है तो डेप्रिशिएशन को क्या कर दो घटा दो, तो अपन इसका डेप्रिशिएशन क्या कर देंगे दोनों में घटा देंगे, दोनों में डेप्रिशिएशन अपन क्या कर देते हैं घटा देते हैं। चलो डेप्रिशिएशन निकालते हैं, तो डेप्रिशिएशन आपको निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10,000 है, अब इसमें स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, लाइफ कितना साल है 4 साल है, तो इसका डेप्रिशिएशन निकल जाएगा। तो डेप्रिशिएशन निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, इसका डेप्रिशिएशन 2,500 आ जाएगा, जबकि इसका निकालते हैं डेप्रिशिएशन कितना होगा, देखें डेप्रिशिएशन इसका कॉस्ट कितना है 10,000 है, अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो माइनस कर लेते डिवाइड बाय 6 लाइफ आता ना, बचपन से निकालते आ रहे हो डेप्रिशिएशन, तो 10,000 का डिवाइड करेंगे 6 के साथ कितना आ जाएगा 1,667 रुपये आ जाएगा, सही बात है 1,667। देख लीजिए अब अपन लोग डिडक्ट कर देते हैं, 3,250 में से हम डिडक्ट करते 2,500 को, 3,250 में से हम माइनस कर देते 2,500 को, तो ये आ जाएगा 750 रुपये, पहला आ जाएगा 750। अब ऐसी 3,500 में से मैं अगर 1,667 को अगर माइनस करूँ तो 1,883 ये आ जाएगा। तो देखिए ये आया हमारा ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ये भी आ गया ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, दोनों निकल आया भाई, ठीक है दोनों निकल आया। देख लीजिए
इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाता, हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन क्या करना, घटाना है। अगर क्वेश्चन में लिख देता आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो सीधा आप क्या करते, एवरेज निकाल के, इसका एवरेज निकाल के सीधा फॉर्मूले पुट कर देते, ठीक है। बट बोला था कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाया गया, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो, घटा दो, ठीक, समझ गए। चलिए तो नंबर एक अब निकालते फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्स की बात करते, सॉरी ए की बात करते, फॉर प्रोजेक्ट ए। तो अब मैं बात करता हूँ फॉर प्रोजेक्ट ए की बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या था, नंबर एक फॉर्मूला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो कितना निकला, 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 रुपए, पैसा कितना लगा है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 है, 10,000 निकाल दो। चलो इसका निकालो प्रोजेक्ट एक्स का कितना आ जाएगा, देखें तो आ जाएगा 750 मल्टी करेंगे 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपए, कितना आ जाएगा 7.5%, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कितना आएगा 7.5%, मतलब ये अपन को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना देता है, 750 पैसा अपन को क्या करके देता है, निकाल कर देता है, ठीक है, 750 कमा कर देता है। अगर मैं इसी जगह एवरेज रिटर्न रेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एवरेज रिटर्न रेट की बात करता हूँ, तो बच्चों मुझे क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो मेरे पास है, डिवाइडेड बाय एनआई डिवाइडेड बाय 2, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, याद आया, मैंने जस्ट बताया था फॉर्मूला, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एनआई डिवाइडेड बाय 2, मुझे निकालना है एनआई डिवाइडेड बाय 2, कैसे निकलेगा, कॉस्ट, तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है, प्रोजेक्ट का 10,000, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है 10,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्या स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे है, नहीं सर स्क्रैप वैल्यू तो यहाँ पर नहीं है, देख लो भाई स्क्रैप वैल्यू तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस नील, स्क्रैप वैल्यू नहीं तो जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर होता तो जोड़ लेते, ठीक है। चलो काम करते हैं, तो अपन लिखेंगे एनआई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10,000 में से कुछ नहीं घटाओगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000, यानी कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना आया 5,000, आ गया 5,000। अब अपन काम करते हैं, अब ये वाले फॉर्मूले पुट करूंगा मैं, तो नंबर दो लिखूंगा एवरेज रिटर्न ऑन रिटर्न रेट, एवरेज रिटर्न रेट तो बताओ क्या होगा ऑपरेटिंग सेविंग्स, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज रिटर्न रेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कितना दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 750, कितना दिया 750, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआई डिवाइडेड बाय 2, हमने एनआई डिवाइडेड बाय 2 कितना निकाला 5,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,000, सॉल्व करोगे 15% आएगा भाई, देख लेना कितना आएगा 15%, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो 7.5% है, और अगर आप लोग एनआई डिवाइड बाय 2 यानी कि एवरेज रिटर्न रेट से देखोगे तो फिर कितना है 15% है, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो इस प्रकार अपन बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट किसकी बात बताया, सेम प्रोजेक्ट ए का निकाला, ये जो मैंने निकाला किसके लिए निकाला, प्रोजेक्ट ए के लिए निकाला, ये जो मैंने निकाला है किसके लिए निकाला, प्रोजेक्ट ए के लिए निकाला है, आपका काम है प्रोजेक्ट बी के लिए निकालना, ठीक है। तो बी का जो भी रिटर्न रेट जो होगा जिसका ज्यादा आएगा, जैसे इसका 7.5% आया है, पहला आंसर आया 7.5% और इसका आया 15%, है ना, मतलब दोनों का 7.5% और 15% आया दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज के हिसाब से, वैसे ही आप प्रोजेक्ट बी का निकालोगे दोनों, जिसका ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा उस प्रोजेक्ट को अपन क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बी आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन टाइप का देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके बुक का एग्जांपल नंबर 23 दिया है, कहता है डिटरमाइन द एवरेज रिटर्न रेट, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस बार आपको सिर्फ एवरेज रिटर्न रेट निकालने बोल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना है, हमको सिर्फ दूसरा वाला निकालना है, एवरेज रिटर्न रेट निकालना है, ठीक है। और आपके सामने दो मशीन दी है, मशीन ए दिया और मशीन क्या दिया है, बी दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की समरी को फटाफट लिख लेते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो एग्जांपल नंबर कितना दिया है हम लोगों को, 23 बोलता है, क्या कहता है देखते हैं, कहता है कि दो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, मशीन ए है, यानी कि मशीन ए है यहाँ पे और मशीन क्या है, बी है, दो प्रोजेक्ट हमारे सामने अवेलेबल है, मशीन ए मशीन बी अवेलेबल है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट किस प्रकार दिया, देखिए कॉस्ट हम लोग को दिया है 56,125 रुपये, उसके बाद दिया ये भी 56,125, दोनों ही मशीन हम लोग को एक ही प्राइस के पड़ते हैं। लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का लाइफ भी लगभग लगभग सेम है, पाँच साल दोनों का लाइफ है,
अगर मैं स्क्रैप वैल्यू की बात करता हूँ, इसमें लिखा है स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है इसमें 3000 रुपये मशीन ए का दिया है, जबकि मशीन बी का भी 3000 दिया है, बिल्कुल दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब इनकम टैक्स रेट की बात करते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं, टैक्स रेट कितना है इसमें, 55% कमाओगे तो 55% टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 55% टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ कि अलग से जो इस मशीन को चलाओगे तो उसके मेंटेनेंस वगैरह पे जो भी उस पर ऑयल वॉइल डालोगे, जो भी वर्किंग कैपिटल होगा वो 5000 इस मशीन पे लगेगा, जबकि इस मशीन पे कितना लगेगा, 6000 लगेगा, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या लिखना है, एनुअल अर्निंग दिया है, और साफ साफ देखिए अच्छे से पढ़िए, लिखा हुआ है अर्निंग, क्या लिखता है अर्निंग के बारे में, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, साफ साफ लिख दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड क्या लिख दिया है, टैक्स। तो यार जब कभी भी आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिख दे, और अपन को चाहिए भी होता है फॉर्मूले में आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जब लिख दे, तो काहे के लिए आप उसमें डेप्रिसिएशन काटोगे या प्लस करोगे या माइनस करोगे, हमको चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, और निकाल के भी दे दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो सीधा आपको क्वेश्चन बना देना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, अगर बिफोर होता तो अपन उसको प्लस माइनस करते जैसा कि अभी किया हमने, ठीक है। चलिए देखें, तो अपने क्या लिखा है, सेविंग्स दिया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल का, कितना दिया है। अगर प्रोजेक्ट ए की बात करें तो कितना कितना दिया है, 33375 इसके बाद अपन को नंबर 3 7375 दिया हुआ है, नंबर 4 का अगर बात करें तो 9375 दिया है, और अंत में अपन को 11375 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी अगर बात करूँ तो पहले साल में 11375 कमाओगे, इस पे 9375 कमाओगे, इस पे 7375 कमाओगे, इस पे 5375 कमाओगे, और अंतिम साल में इसमें 3375 कमाओगे। देख लेते, चेक कर लेते, 11375 9375 7375 5375 3375 पहला वाला भी 3375 5375 5375 9375 और 11375। तो इस प्रकार आपकी अर्निंग दी हुई है। ओके, आपको बोलता है डेप्रिसिएशन जो भी काटा जाता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से काटा जाता है, फाइंड आउट करना है विच प्रोजेक्ट इज बेटर फॉर कंपनी, कंपनी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, बाय यूजिंग एवरेज रिटर्न रेट। तो एवरेज रिटर्न रेट मेथड से अपन को क्या करने बोल रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कुछ होगा ना, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सीधा फॉर्मूला लिखा करो, तो सीधा सॉल्यूशन लिखो और फटाक से फॉर्मूला लिख लो कि एवरेज रिटर्न रेट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज रिटर्न रेट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यही होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अब जो निकालना है वो अपन काम करते हैं। सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, हमको चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और यार यहाँ पर अगर अनइवन है तो क्या बोल दिया था मैं, एवरेज निकाल लो, चलो एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अपन बात करेंगे फॉर, यहाँ मैं निकालने वाला हूँ फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए निकालने वाला हूँ, यानी कि मशीन ए के लिए मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। बी आप खुद निकालेंगे, ठीक। ओके, आप बोलेंगे सर अच्छा सर हमको काम पे लगा देते, बी हमको खुद निकालने बोलते हैं, भाई कुछ तो बनाना पड़ेगा, सिर्फ छापने तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स चाहिए, तो सीधा अपन एवरेज निकाल लेते हैं। क्या क्या एवरेज, देखो 3375 प्लस है 5375 प्लस है कितना 7375 सीधा प्लस कर देते 7375, फिर अपन को लिखा हुआ है 7375, फिर 9375 और अंत में दिया है 11375 डिवाइडेड बाय एवरेज निकालो 5, तो ये आ जाएगा अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं इसका एवरेज, फटाफट से निकाल लो एवरेज, तो 3375 जल्दी जल्दी निकालेंगे, 3375 प्लस 5375 प्लस 7375 प्लस 9375 प्लस 11375, तो इस प्रकार देखा जाए तो 36875 टोटल आया, डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा 7375, ये आ जाएगा 7375, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो आएगा अपने को जो एक अमाउंट चाहिए वो आ जाएगा 7375, यानी पहला वाला आइटम क्या हो गया, निकल आया, ठीक है। अब हमको बात करना है दूसरे वाला आइटम की, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या होता फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, होता है ना। चलिए तो चलो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताओ, यहाँ प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 56125,
तो 56,125 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 3,000, तो 3,000 ले लो, 3,000 कर लो यहाँ पे, 3,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको अलग रखो, प्लस फिर स्क्रैप वैल्यू को जोड़ दीजिए, 3,000 को जोड़ दीजिए, एंड प्लस वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल कितना है 5,000 है, तो 5,000 क्या कर दो, जोड़ दो। आप बोलो कि सर यहाँ तो टैक्स काम ही नहीं आया, ना तो डेप्रिसिएशन काम आया। टैक्स काम आता कब, जब अपन को क्वेश्चन में बिफोर टैक्स लिखा होता, तो टैक्स घटाने का काम आता। डेप्रिसिएशन कब काम आता, जब बिफोर डेप्रिसिएशन लिखता, मतलब घटाने के काम आता, जब दोनों निकाले के दिया तो क्यों आप दिमाग चलाओगे, ठीक है। चलो इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, कितना आता देखें, 56,125 में से अपन माइनस करेंगे पहले 3,000 कर लो, डिवाइड बाय 2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक बार अच्छे से कर लेते हैं, 56,125 माइनस करेंगे 3,000 रुपये जो आएगा उसमें डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 26,562.5 आ जाएगा, 26,562.5 प्लस 3,000 प्लस 5,000, तो चलो जोड़ देते इस पर, प्लस 3,000 प्लस 5,000, तो बच्चों आ जाएगा 34,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 34,562.5 रुपये। तो देख लो यार दोनों चीज़ आ गया, ये भी चीज़ आ गया, ये भी चीज़ आ गया और ये भी चीज़ आ गया, ठीक है। चलो फॉर्मूले पुट करते हैं, देन एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट, एवरेज रिटर्न रेट इज इक्वल टू, एवरेज रिटर्न रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर टैक्स, तो ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स कितना दिया अपन को, 7,375, ओके, डिवाइडेड बाय NI डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट, देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना दिया 34,562.5 इनटू 100, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए कितना परसेंट आता देखते हैं, तो अपन करेंगे 73,375 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 34,562.5, तो यह आ जाएगा 21.338 आ रहा है, आप इसको 4 ले लीजिए, ऑलमोस्ट 21.4 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 21.34, तो परसेंट रिटर्न दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने जो निकाला किसका निकाला, प्रोजेक्ट ए का निकाला, ठीक है, हमने किसका निकाला, प्रोजेक्ट ए का। अब प्रोजेक्ट बी के लिए जो काम करना है वो किसको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा फॉर प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट बी आप ऐसे निकालेंगे, मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना आएगा इसका आंसर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रोजेक्ट बी का जो आंसर आएगा वो 20.74% आना चाहिए आप लोगों का आंसर, ठीक है। 20 कितना आना चाहिए, 74% आना चाहिए। फिर दोनों में कंपेयर कर लो कि प्रोजेक्ट ए ज्यादा रिटर्न दे रहा है या प्रोजेक्ट बी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मेथड क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर अगर ये ठीक है अनइवन सेविंग्स है तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन में इवन सेविंग्स है यानी एनुअल सेविंग हर साल का एक जैसा है, कुछ नहीं करो सीधा उसी को ले लो, सीधा आपका ऑपरेटिंग सेविंग्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एनुअल सेविंग्स मान लो हर साल का 20,000 रुपए दिया है, वही बिफोर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 20,000 दिया है, तो एवरेज क्या निकालोगे, सीधा 20,000 ही पुट करके आप आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा जो दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड था, अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है या जो भी आपके बुक में एग्जांपल्स है तो उसको आप क्या करिए, बनाइए, क्योंकि सभी लोग का अलग अलग बुक चलता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दोनों का सबका इक्वल है, तो आप उस क्वेश्चन को बनाइए, कहीं डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए मेथड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।